हेलो दोस्तों, मैं राज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए इंटर परीक्षा 2021 के लिए केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 35 क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 35 में से आपका स्कोर क्या रहा, और ये भी बताइएगा दोस्तों कि आपका लेवल कितना है अभी, मतलब आप कितना तैयारी किए हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित। आए समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों हमारा है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, क्यों? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्फ में जब नमक मिलाते हैं तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। के कारण होता है हिमों का अवनमन, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों है, चालकत्व सेल का सेल नियतांक कितना होता है? दोस्तों, चालकत्व सेल का सेल नियतांक ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल बटे ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, दूध है ऑप्शन नंबर ए जल में परिक्षेपित वसा, ऑप्शन बी वसा में परिक्षेपित जल, ऑप्शन सी तेल में परिक्षेपित वसा, एंड ऑप्शन डी तेल में परिक्षेपित जल। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका जल में परिक्षेपित वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध जो होता है दोस्तों, वो जल में जो ना परिक्षेपित वसा मिला हुआ रहता है। चलिए चलते हैं पांचवें की ओर। पांचवा दोस्तों है, नाइट्रोजन किस समूह का तत्व है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, एंड ऑप्शन डी 18। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का तत्व है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, CH4 का संकरण क्या है? ऑप्शन ए sp3, ऑप्शन बी sp2, एंड ऑप्शन सी sp, एंड ऑप्शन डी sp4। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए sp3। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, CH4 जो है इसको हम मिथेन भी बोलते हैं, इसको हम मिथेन भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मिथेन लिखा हुआ मिलेगा या CH4, दोनों एक ही बात है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर दोस्तों। सातवां हमारा, निम्न किसको हैलोजन समूह का ग्रुप कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ग्रुप 17 को हम हैलोजन का समूह कहते हैं। एक बात और दोस्तों, इसमें जो है हैलोजन समूह में जो एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई पूछे कि हैलोजन समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप बता दीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर दोस्तों। हीलियम का सूत्र होता है? दोस्तों, ने इसका ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं इसका सिंपली आपको सूत्र लिख देता हूँ। इसका सूत्र दोस्तों होता है H2S2O7, इसका सूत्र होता है। आज समझ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 दोस्तों है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बता देता हूँ पीएच मान से। अगर दोस्तों पीएच बराबर 7 है, यानी कि पीएच मान 7 है, तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। अगर 7 से दोस्तों कम है, एक पॉइंट भी कम है, तो वो दोस्तों एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। अगर बात आती है अब 7 से ज़्यादा की, अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको क्षार बोलेंगे। तो दोस्तों, मैंने पीएच से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको पीएच वाले से क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्न में कौन सबसे कम वाष्पशील है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि डी नंबर दोस्तों, जल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जल जो दोस्तों वो बहुत कम वाष्पशील है। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है? दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है,
तो S8 में सल्फर ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो दोस्तों जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। आप इसको ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोला उसको ध्यान दीजिए। तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जीरो होता है। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में किसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है? दोस्तों आयनन एंथैल्पी जो होती है दोस्तों वो फ्लोरीन, आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसका फ्लोरीन का आयनन एंथैल्पी बहुत होता अधिक होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है? इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। उत्कृष्ट गैस जो होता है दोस्तों वो मैं आपको बेसिकली बता दूँ, उत्कृष्ट गैस को हम नोबेल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं। ये दोस्तों ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबेल गैस। इसको शून्य ग्रुप भी बोलते हैं। शून्य ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शून्य होता है, इसीलिए से शून्य ग्रुप भी बोलते हैं। तो मैंने तीन चीज़ बताई दोस्तों, नोबेल गैस को शून्य गैस भी बोलते हैं, या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, या वर्ग 18 का ग्रुप बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और ज़ेनॉन। ये दोस्तों सब क्या है? उत्कृष्ट गैस हैं। तो हीलियम नियॉन आर्गन ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, XeF2 की संरचना है? दोस्तों इसका संरचना होता है वो होता है दोस्तों एक रैखिक होता है। क्या होता है? एक रैखिक, यानी कि ए नंबर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, गोताखोर को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? गोताखोर जो होता है दोस्तों, जैसे कि पानी में अगर अंदर जो गोता कर रहा है, यानी कि गोता लगा रहा है, तो उस समय उसको सांस नहीं मिलता है, तो दम फूलने लगता है अगर सांस नहीं मिलेगा, तो वो एक गैस लेकर चलता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो गैस की हमारा हीलियम और ऑक्सीजन, यानी कि HE+O, हीलियम और ऑक्सीजन। ये लेने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। आए समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछ चुका है ये। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, COCl(NH3+5)2+ में CO की ऑक्सीकरण संख्या है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों, NiCO4 की ज्यामिति क्या है? यानी ज्यामिति मतलब आकृति पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वर्ग समतलीय। इसका आकृति होता है NiCO4 का, वर्ग समतलीय होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन दोस्तों मैं कह रहा है, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करेगा? तो DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करेगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो DDT बनाएगा। आए समझ में? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है? आयोडोफॉर्म का सूत्र दोस्तों ये होता है CH3, ये दोस्तों आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सर्वप्रथम फिनोल को किससे बनाया गया था? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, फिनोल जो है अब बहुत प्रयोगशाला में बहुत दूसरे विधि से बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वो कोल तार से बनाया गया है, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, CH3CO CH2CH3 का IPSC नाम क्या? दोस्तों IPSC नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो मैं IPSC नाम आपको सब करा दूंगा दोस्तों। और आप ये भी बताइएगा कमेंट में, अगर IPSC नाम आपको नहीं आता है तो हम मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा तब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ब्यूटेनॉन। देखिए ब्यूटेन क्यों होगा? एक कार्बन, यानी कि दोस्तों इसमें 4 कार्बन है, तो हम एक को दोस्तों बोलते हैं एथ मेथ बोलते हैं, और 2 को एथ बोलते हैं, और 3 को प्रोप बोलते हैं, और 4 को ब्यूट बोलते हैं। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। आए समझ में? अगर आपको IPSC नेम नहीं आता तो हमें कमेंट करिए, मैं IPSC नेम आपको सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, निम्न में कौन एल्डिहाइड का क्रियामूलक है? यह भी दोस्तों एक नंबर फिक्स है आपका, फंक्शनल ग्रुप से एल्डिहाइड पूछा है दोस्तों, तो एल्डिहाइड का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CHO। ये देख रहे हैं दोस्तों COOH, ये होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये OH जो होता है दोस्तों ये होता है अल्कोहल, और ये CO होता है कीटोन। आए समझ में? तो एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया दोस्तों, 24 के
चलते हैं। 24 दोस्त हमारा है C6H5COCl2 प्लस H2 अभिक्रिया किया C6H5CHO प्लस CLHCl, कौन सी अभिक्रिया है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक नंबर रहता ही रहता है। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, ये रोजेनमंड अभिक्रिया है। क्या है? रोजेनमंड अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों है 25 नंबर, तो सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो वो क्या कहलाता है बाद में? ये कहलाता है दोस्तों इन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्वर्सन दोस्तों कहलाता है। ऐसे समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में कौन वृहत अणु है? इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ, नीचे मैं नीचे करता हूँ दोस्तों। वृहत अणु पूछा है, तो वृहत अणु जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पामीटेट जो आपका, ये क्या है दोस्तों? वृहत अणु है। आए समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर बहुलक दोस्तों? प्राकृतिक रबर बहुलक है, ये जो दोस्तों बहुलक है ये होता है आइसोप्रिन का। किसका दोस्तों? आइसोप्रिन का बहुलक है। इसोप्रिन मैंने लिखा है, आइसोप्रिन होता है दोस्तों। क्या होता है? आइसोप्रिन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। आए समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों है टेफ्लॉन और नियोफ्रिन है, मतलब कौन सा बहुलक है? सहबहुलक, संग्रहण बहुलक, सम बहुलक, और या तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम बहुलक। टेफ्लॉन नियोफ्रिन क्या है दोस्तों? सम बहुलक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। 29 नंबर दोस्तों, वेलियम का उपयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक कर लीजिए। वेलियम का उपयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक के रूप में, ऑप्शन बी उपशामक के रूप में, ऑप्शन सी बेहोशी के रूप में, और ऑप्शन सी और डी नंबर कुछ भी नहीं है। तो वेलियम जो दोस्तों है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों उपशामक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपशामक के रूप में वेलियम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। 30वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल दोस्तों ऑप्शन है लेकलान सेल, लेड स्टोरेज सेल, सांद्रण सेल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज सेल। ये क्या है दोस्तों? द्वितीयक सेल है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विवा, विवा मतलब विद्युत वाहक बल होना चाहिए, मतलब सेल में जो रिडॉक्स अभिक्रिया होगा उसके लिए विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? ए नंबर 0 है, बी नंबर धनात्मक है, सी नंबर ऋणात्मक है, डी नंबर नियत है। तो दोस्तों सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होगा उसके लिए हमारा जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो हमारा धनात्मक होना चाहिए। क्या? धनात्मक। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, वह कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ताप, बी है दाब, सी सांद्रण, डी सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है इनमें से सभी है। ताप भी करता है, दाब भी करता है, सी सांद्रण भी करता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि सभी। एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम में दोस्तों एक नंबर तो ऐसा एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछता ही है कि उसमें सभी वाला आंसर होगा। आए समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है? मतलब जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करेगा उसकी कोटि कितनी होगी? इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कोटि इसका 0 होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। 34वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। साइनाइड विधि द्वारा क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फास्फोरस है धातु है, पदार्थ है या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फास्फोरस दोस्तों जो है ये क्या है? अधातु है। आज समझ में। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 35 में से कितना स्कोर रहा, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि हमारा स्ट्रेटजी पढ़ने का क्या है, रणनीति क्या है, आपको पता चलेगा अभी हमें और तैयारी करना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों आपका 35 में से कितना सही हुआ। थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।